देखिए मुख्यमंत्री क्या कहते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो वो लोग हैं जो सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहते हैं और सच्चाई का साथ देना चाहते हैं। पूर्व में भी कांग्रेस की सरकारें रही, उन्होंने भी जब जब भी सरकार बनाने की बात आती थी वो भी जनता के दरबार में जाके पूछते थे। उनको जो पता लगता था कि ये समस्याएं हैं, इस पर हमने कुछ ना कुछ करना है, तो उन समस्याओं को लेकर हमने जो आगे कार्यक्रम बढ़ाना था उसमें उन्होंने काम किया, जो वायदे किए उनको पूरा किया। माननीय वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी इस तरीके की लोगों की समस्याओं को देखते हुए और ये कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो अवश्य मैं इन कामों को करूंगा, और उनकी प्राथमिकता रहती थी कि मैं इन कामों को करूंगा और उन्होंने किए अपने कार्यकाल में। उसी तरह से हम भी जो अभी लोगों की समस्या है, चाहे बेरोजगारी की बात है, बढ़ती हुई महंगाई है, महिलाओं के प्रति उत्पीड़न का सवाल है, और जो गांव में हमारे बागवान हैं, किसान हैं, उनकी समस्याएं हैं, उसको लेकर हम हमारे जहन में वो बातें हैं और हमने चाहा कि इसमें हम इन बातों को डालेंगे और जो अपना हमारा घोषणा पत्र होगा और जब वक्त आएगा तब हम इन कामों को अवश्य करेंगे। तो उसकी हमें चिंता नहीं है कि क्या मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, हमें तो अपने काम पर ध्यान देना है। और हमने जितनी भी ये बातें कही हमने लोगों को आश्वासन दिया है, पब्लिक में जाकर रैलीज के द्वारा मीटिंग्स में भी हमने बार बार ये कहा है कि हमारी ये घोषणा है हमारी सरकार बनेगी तो अवश्य हम इसको जल्दी से जल्दी लागू करेंगे। देखिए तो सबका मौलिक अधिकार है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी टिकट आवेदन पार्टी ऑफिस में आकर दे सकता है। जैसा हमने कहा चाहे आप इसको व्यक्तिगत दे के जाए या चाहे दूसरा जो जरिया है उसके माध्यम से आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है, जहां तक लोगों की बात है वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको भी लगता है कि हमने भी 30-30, 40-40 साल पार्टी में लगाए हैं तो हमें भी मौका मिलना चाहिए। ठीक है, वी हैव सेड क्यू अप्लाई एंड देन वील सी जो जीता हुआ कैंडिडेट है और जो हमको लगता है कि धरातल पर जिसकी पकड़ है, जिसकी जो सीट जीत कर हमको दे सकता है, उन्हीं पर गौर किया जाएगा। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है। लोगों में नाराजगी भी है, दूसरी तरफ नाराजगी भी है। लोग बीजेपी के कार्यकाल से बहुत दुखी है क्योंकि इन्होंने बढ़ती हुई महंगाई पर कोई लगाम नहीं लगाया, बेरोजगारों को इन्होंने रोजगार नहीं प्रदान किया। इनके कार्यकाल में कितने घोटाले हुए, चाहे वो पुलिस भर्ती की बात है, चाहे आर्मी में भर्ती होने की बात है, ऐसे ऐसे घोटाले हुए जिससे आज हमारा युवा भी पीड़ित है और लोग भी बहुत निराश है। तो हमें लगता है कि हमें मौका देगी जनता तो हम अवश्य इन कामों को सफल करके देंगे और जितना भी हो सके लोगों की मदद करने के लिए हम सरकार बनाना चाहते हैं और सत्ता में आकर इन घोषणाओं को तुरंत लागू करने की बात मैं कहती हूँ।